हाँ क्रैश हुआ है, क्रैश हुआ अभी, पता नहीं कैसे हुआ। गाड़ी आगे से देख रहे हो एकदम भाई, मेरे को स्पाइडी की याद दिला रही है। अरे सॉरी यार, सॉरी, वो पैर के टच हो गए, आप घुमा रहे थे ना इसलिए। हाय, सबसे प्यारी चीज ये, मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी इसमें, जो देख रहे हो आप, इसका जो लोगो है ना, यह माँ का गोल्डन, इसमें ज्यादा है थोड़ी। गाइस थोड़ी हवा कम कर देते हैं इसकी। लिमिटर देखो यार, कितने प्यारे हिट होते हैं इसमें। तो सिटी में छोड़े तब जब तक बाइक आए ना, तब तक अपनी YouTube फैमिली 5K की हो जानी चाहिए। ये देखो यहाँ से हर जगह से उतरा हुआ है, ये देखो यहाँ से भी डेकल्स उतरे हुए, हर जगह से यहाँ से उतरे हुए। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली स्पाइडी फैम। उम्मीद करता हूँ सब अपने घर पे स्वस्थ मस्त होंगे और बढ़िया होंगे यार, और स्वस्थ मस्त होने चाहिए। थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस करने के लिए, स्पाइडी के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए। मुझे पता है आप सब लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट होना स्पाइडी से, मुझे सारी चीज़ें पता है आप लोगों को लेकर, मुझे सारी चीज़ें पता है कि आप कितने कनेक्ट हो कितने नहीं हो। जो अपनी स्पाइडी की जगह है ना वो दिखा देता हूँ, बिल्कुल खाली पड़ी है। पिछले कितने दिन हो गए, समथिंग 4-5 दिन हो गए भाई, इतना मिस कर रहा हूँ ना, मतलब एक खालीपन सा अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। आपको दिखा देता हूँ, पहले आप जगह देखो, ये देखो, ये रहा अपनी स्पाइडी की जगह, जहाँ पे अपनी स्पाइडी पार्क होती थी। यहाँ पे ना बाइक का कवर है, ना बाइक, वो स्कूटी अपनी बाइक है, और अपने पास ब्लॉगिंग करने के लिए बाइक भी नहीं है। सारे बंदों ने मुझे बोला कि है ना भैया हमारी बाइक से ब्लॉग कर लो, हमारी से कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये भाइयों का प्यार है जो इतना मुझे प्यार दिखाते हैं यार। मतलब बाइक से बंदा कितना प्यार करता भाई, कोई बाइक अपनी किसी को दे नहीं सकता, बट बहुत बंदों ने पूछा यार, थैंक यू सो मच सब लोगों को, सब भाइयों की, सब इतना प्यार करते हैं। तो आज जा रहे हैं अपन अपनी पैशन प्रो लेके, और आगे से अच्छा सा आपके लिए बॉम सा ब्लॉग शूट करेंगे। एक भाई आ रहा है, उसे मिलाते हैं, और बाकी बातें सारी आपसे मैं रस्ते में करूँगा। तो अभी चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैंने अभी पहन लिया अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप, चेक कर सकते हो, ये रहा अपना EV स्कूटर भाई। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको चलाए हुए, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी फ्यूचर तो क्या ही बोल सकता हूँ, कभी मैं फ्री बोल रहा था, फ्यूचर बोल गया बीच में, तो कभी भी अपन फ्री हुए ना तब इस पर एक ब्लॉग अलग सा, कुछ अलग सा कंटेंट बनाने की सोचूंगा। और ऐसे भी इससे गेड़ी मारे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। कुछ इस तरीके का आपके भाई का रूम है, चेक करो आप। तो अभी बाहर चलते हैं, और जो अपनी लाइफ की पहली बाइक है, जो मेरे लाइफ की पहली बाइक है भाई, इसको जो मैंने स्कूल टाइम में ली थी, इसको आज करते हैं कोल्ड स्टार्ट। हमेशा स्पाइडी को करते थे ना, आज इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। की चेन देख रहे हो इसका यार, अभी ये कोल्ड स्टार्ट हो गया। इसका जो इंजन साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अपनी क्या बोलें इसको, नाम पैशन प्रो ही रहने देते हैं इसको भाई, वरना इसे भी इमोशन जुड़ जाएंगे। तो गाइस अपन लेके आ चुके हैं अपनी मिनी सुपर बाइक बोल सकते हैं इसको, तो इसको लेके आ चुके हैं हाईवे पे, पता है, क्योंकि जो काम ये बाइकें कर सकती हैं ना, वो तो ना तो अपनी स्पोर्ट बाइकें कर सकती हैं, ना सुपर बाइकें करती हैं, क्योंकि इन पर कितनी तो आप है ना सवारी ढोलो, कितने बंदों को बिठा लो, कितना इस पर वेट डालो, कुछ भी कर लो यार, खड्डे में डाल लो। पता है मुझे कई बंदे बोले कि यार आप स्पाइडी भी आज इस पर जब बैठ के भी आए ना, कि आपने स्पाइडी सेल कर दी, इस पर व्लॉग बनाओगे, भाई क्या दिक्कत है भाई। मैंने, मेरे को आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैंने स्कूटी से स्टार्ट किया था भाई, अपने को कोई ऐसा गिल्ट फील नहीं है। और ये एक एग्जांपल समझ लो, मैं कोई खुद की तारीफ नहीं कर रहा, आप एग्जांपल समझ लो, जो भी बंदा ऐसे सोचता ना कि यार मेरे पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए मोटो व्लॉग करने के लिए, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है मेरे भाई, जो भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है। बट इस बाइक को चलाने में मेरे को सेम फील आ रहा है, सेम वाइब आ रही है। हाँ उतना जो उसमें जो इनिशियल आता है, जो स्पीड आती है, वो चीज़ें थोड़ा कंपेरिजन है, बट मेरे को ना इस पे लो फील नहीं हो रहा कि हाँ मैं इस पे क्यों मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे क्यों हेलमेट पहन के बाइक चला रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो गाइस अभी मैं कैफे पे आ चुका हूँ, और भाई आ चुका है, भाई का नाम आर्यन है, भाई ने नया ज्वाइन किया अपने ग्रुप में। लास्ट वाले व्लॉग में देखा था भाई के साथ ड्रैग रेस की थी, भाई बड़ी कैंट बाइक चला रहा था उसमें, और ये भाई की भाई मोस्टर देख लो आप, इसके मिरर बंद अच्छे नहीं लगते मेरे को। R15 चाहे V4 ले लो, चाहे M ले लो, कोई भी बाइक ले लो, देखो मेरे को फोल्डेबल मिरर सिर्फ सिटी के अंदर पसंद है मेरे को, हाईवे पे ऑन रोड और खड़ी बाइक के मिरर ऐसे होते हैं ना, वैसे अच्छे लगते हैं। इसमें भाई देखो इसके ग्राफिक दिखाता हूँ, भाई चेक कर रहे हो कितने प्यारे ग्राफिक है भाई, मोस्टर वाले ग्राफिक हैं। और ये देखो सबसे प्यारी चीज़ ये, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी इसमें, जो देख रहे हो आप, इसका जो लोगो है ना, यह माँ का गोल्डन यार, अपनी जो स्पाइडी थी ना उसमें सिल्वर का था, और मेरे को ये गोल्डन वाला ज़्यादा बेटर लगा। और तीसरी चीज़ आपको एक बार बताई थी, फिर से बता देता हूँ, इसकी जो TFT डिस्प्ले है ना भाई,
पूरी जो BMW S1000 RR की जो कॉकपिट की हुई है यहाँ पे, इस पे देखो कंट्रोल्स आते हैं, इसमें अपन इनको चेंज वगैरह कर सकते हैं, इसमें मोड वगैरह चेंज होते हैं। देखो ओवरऑल बाइक के जो ग्राफिक है ना, एकदम ऐसे लगता ही नहीं है भाई कि ये बाइक स्टॉक है। सिर्फ इसमें एक चीज़ की मॉडिफिकेशन की कमी है, जो इसमें वाइजर, बबल वाइजर अगर इसमें लग जाए ना, फिर तो भाई क्या ही लुक देती है गाड़ी। आगे से देख रहे हो एकदम भाई, मेरे को स्पाइडी की याद दिला रही है ये, देखो मॉन्स्टर एनर्जी सामने से बड़ी सेक्सी लग रही है, एकदम शार्प लुक देती है, जैसे शार्क मछली नहीं जो वैसे ऐसे लग रहा नहीं है कैमरे के अंदर घुस जाएगी भाई, बड़ी प्यारी लगती है। अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे, चलते हैं, एक बंदा और आ रहा है उसको ज्वाइन करते हैं, फिर आपके लिए बॉम्ब सा ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं, नाम इस बाइक का नाम नहीं रखा क्या? नाम सोचे इसका कोई अच्छा सा? शाम को सोच के बताऊंगा आपको अच्छा सा नाम रखेंगे भाई। बाइक का नाम नहीं रखा है अभी, तो इसको मैं मॉन्स्टर ही बोलने वाला हूं, क्योंकि इसका नाम मॉन्स्टर एडिशन है, मॉन्स्टर एडिशन लगे हुए, तो अभी मॉन्स्टर ही बोल देता हूं। तो मॉन्स्टर पे भाई को ड्रॉप करने जा रहे हैं, फिर फटाफट आएंगे, इतने में अपना एमटी वाला भाई भी आ जाएगा। आ जाओ टाइट पकड़ लो, तब बहुत हल्की है यार ये तो, मेरी वाली से भी हल्की है गाइस, बहुत हल्की है ये तो। अभी इसका स्टीयरिंग ओवल हो गया, थोड़ा सा लीन करते हुए, क्या पता इसमें हवा का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, हवा का प्रेशर थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसमें हवा ज़्यादा है यार, हवा कम करते हैं, अभी देखता हूँ मैं। इसमें तो सही है, ज़्यादा है, ज़्यादा कम नहीं है, इसमें ज़्यादा है थोड़ी गाइस, थोड़ी हवा कम कर देते हैं, इसकी स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइस हवा का प्रेशर कम कर लिया, आप सही लगेंगे लेंस। बहुत हल्की है यार ये तो, बहुत हल्की है यार, मेरी वाली से भी बहुत हल्की है यार, ऐसे लग रहा है उठ जाएगी ये, इसलिए मैं थोड़ा केयरफुली चला रहा हूँ इसको। चलो भाई को ड्रॉप कर दिया, अभी चलते हैं यहाँ से, ठीक है मिलते हैं। हाँ अभी गाड़ी घुमाते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, और भी बहुत सारे काम है बाइक से रिलेटेड। बहुत हल्की है गाइस, बहुत मतलब दिखने में इतनी अब्रॉड लग रही है ना बाइक, बट वैसे रियल में इतनी अब्रॉड है नहीं, जितनी अपनी स्पाइडी है ना उस हिसाब से तो मेरी स्पाइडी इतनी हैवी है कि इतनी, अब जैसे इसको लीन कराओ ना ऐसे लग रहा है ये हवा में उड़ जाएगी, पता नहीं अजीब बहुत ही यार छोटी सी लग रही है। चेंजेस मेन यही है कि जो अपने का आगे से कभी आपने नोटिस किया ना, जो फेयरिंग है ना अपने, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। अभी मैं आराम से सीधा होकर इसको चला रहा हूँ, और उसको जब अपने स्पाइडी को मैं चलाता था ना, मेरे को इतना लीन होना पड़ता था नीचे, इतना पूरा इतना नीचे झुक जाना पड़ता था, वही चीज़ है यार। भाई अभी सचिन आ चुका है अपनी MT लेके, पहले MT का आपको ग्राफिक दिखा देता हूँ यार, एक मिनट देख रहे हो यार, इसने मंगाए थे CR डेकल से, बट इतने चीप क्वालिटी के निकले ना, ये देखो, ये देखो यहाँ से हर जगह से उतरा हुआ है, ये देखो यहाँ से भी डेकल्स उतरे हुए हैं, हर जगह से यहाँ से उतरे हुए हैं, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, जितना इसने अमाउंट पे किया है ना यार उतनी अच्छी क्वालिटी है नहीं। तो अभी चलते हैं, इसका वेट कर रहा था मैं, भाई को वहाँ पर ड्रॉप करके आ गए, तो अभी चलते हैं यहाँ से, चलें अभी चलते हैं हाईवे पे, थोड़ी सी रेस मार के आएंगे, फिर थोड़ा सा काम है वो भी करना है, और साथ में अपनी बाइक की प्रिपरेशन चल रही है, तो वो चीज़ें अलग ही चल रही हैं। हाय बच्चे देखो, बोले राइडर राइडर, देखते बोलते हैं राइडर राइडर, बच्चों की खुशी तो अलग ही होती है बाइकों को देख के। आपका फेस है ना इधर कर लेना थोड़ा, तो हेलमेट के क्या भिड़ेगा नहीं, मुझे पकड़ लो, बाइक को मत पकड़ो। चेन भी बड़ा लंबा है इसका, ये देखो यहाँ तक आ रहा है मेरे पैरों तक। छपरी आ गए, छपरी आ गए, छपरी आ गए, रेस करने के लिए आए हैं भाई, रेस मारे एक, अभी रेस मारते हैं एक, देखते हैं कितनी जाती है। सचिन भी अपने MT V1 तो इससे आगे जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, छपरी भी आ रहे हैं पीछे भाई, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। हाईवे पे रेस के लिए काफी कम टाइम हो गया, काफी ज्यादा हो गया, कम बोल रहा हूं, कम नहीं बहुत ज्यादा टाइम हो गया।
लिमिटर देखो यार कितने प्यारे हिट होते हैं इसमें लिमिटर, ये चेक करो गाइस। थोड़े भाई को लीज दिखाता हूँ, पीछे बैठा है। तो भाई बाइक के ओनर से पूछते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस है, थोड़ी फटी है ना ये जिस तरीके भाई भाई बोल रहे हैं 120 पे लीन लग रहे हैं भाई। वो सामने लड़कियां देख रही, वो भी पूछ रही ये क्या जा रहा है भाई, अरे बहुत लाइट वेट है यार वो R15। देखो हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी तो हमेशा से इस गाड़ी पे दिल रहा है क्योंकि एक साल मैंने दिया है इस गाड़ी को, बहुत अच्छी चली, मजा है यार लिटरली में हाईवे पे आज रेस करके। अभी आपको पता है दिन भी इतने जल्दी निकल रहे हैं ना, मतलब डे बाय डे इतने जल्दी दिन जा रहे हैं, और साथ में अपना बाइक का मैं वो चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, साथ में व्लॉगिंग मैनेज कर रहा हूँ, साथ में घर के काम मैनेज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा यार मतलब थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, टाइम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पास में बाइक नहीं है, बट भाइयों का सपोर्ट है, हमेशा ही भाइयों का सपोर्ट रहा है, ऐसे ग्रुप के सारे बंदों ने हमेशा सपोर्ट दिखाया हर चीज़ में, कभी भी किसी भी चीज़ की नीड हुई है ना किसी ने मना नहीं किया। तो गाइस अभी जा रहे हैं उसी शॉप पे जहाँ से सैम का एग्जॉस्ट लगाया था, गिठाला ऑटो पार्ट्स पे। तो पीछे कुछ बंदे मिल गए थे यार, पास में आके रेव मारते हैं, आ जाओ रेस कर लो। अरे भाई पहले जो मेन चीज है हेलमेट वो तो पहन लो, 2.5 लाख की गाड़ी ले सकते हो बट 2000 का हेलमेट नहीं पहन सकते यार। और यहीं पे शॉप, कैसे हो, यहीं पे चेक करवाते हैं एमटी को क्या सीन है, एग्जॉस्ट खोल दिया था क्या उसका, अच्छा आपने खोला था क्या। अभी यार इसमें एक इश्यू आ रहा है इस गाड़ी में, जो सेम की गाड़ी में था ना सेम वैसे ही, ये तो गिरी भी नहीं है, देखो ये चेक करो, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है, बंदा अगर सिटी में कहीं पे भी बाइक चलाए, क्रूज कंट्रोल हो गया, ये तो एक फ्री का क्रूज कंट्रोल मिल गया, तुम 80 पे छोड़ दो, 80 से ऊपर ही नहीं जाए, तो सिटी में छोड़े तब बोला लग जाए बोला यार लग जाए सिटी में, तो भाई ये सीन है। तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सचिन तो निकल गए भाई को लेके, और ये रह गई है संदीप भाई ने रेडी कर दिए भाई, यार उसका वायर का कुछ इश्यू था सही कर दिया, थैंक यू सो मच, ये हमारे हर काम करते हैं यार भाई के जैसे, हमारे मैकेनिक की तरह नहीं है भाई की तरह ही है। तो किसी को भी कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी करना हो ना यहाँ ज़रूर आना, मेरे नाम पे डिस्काउंट भी दे देंगे भैया आपको, तो कुछ भी अगर एसेसरीज वगैरह लगानी हो, पेंट का कुछ भी, हर चीज़ लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं इनके पास मॉडिफिकेशन से लेके हर चीज़ तक, तो मिस मत करना, दुकान का नाम हमेशा याद रखना गिठाला स्पेयर पार्ट्स देवपुरा रोड पे है। तो अभी चलते हैं ना, ठीक है, थोड़ी रश वाली राइड, रश से कैसे निकलते हैं वो दिखाता हूँ आपको भाई, थोड़ी अपनी बाइक नहीं है तो थोड़ा सा केयरफुली चलूँगा मैं। सॉरी अंकल, वो पैर के टच हो गए, आप घुमा रहे थे ना इसलिए, अंकल का बैग मेरे पैर के टच हो गया है। A few moments later. हाँ क्रैश हुआ अभी, पता नहीं कैसे हुआ भाई, वो वहाँ से ऐसे आए हैं, डिजायर तो खड़ी थी यहाँ, तो ये भिड़े कैसे, मेरे को लग रहा ब्रेक मारा है उसका, टीवीएस की ब्रेकिंग ऐसी है भाई, टीवीएस की जो ब्रेकिंग आती है ना, अरे भैया अभी क्रेश हुआ है, फिर से हमारा क्रेश करोगे क्या भाई, स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पता चलती है, वो बाइक ऐसे ही आई भाई, टायर ही गए इसका। मुझे पता है आप लोगों को बाइक का इंतजार है और आप लोगों को दुख भी है कि स्पाइडी चली गई, बट आपको अपने भाई पे भरोसा है ना, जब मैं अपनी स्पाइडी का सेक्रीफाइस करके उससे बेटर
बेटर ही चीज़ लाऊंगा, आपको ये प्रॉमिस है मेरा कि एक ऐसी चीज़ लाऊंगा कि आप सब लोग खुश हो जाओगे। बट जल्द से जल्द अपनी है ना 5K की फैमिली कंप्लीट करवा दो, बिकॉज जब तक बाइक आए ना तब तक अपनी यूट्यूब फैमिली 5K की हो जानी चाहिए। बस अपना यही एम है, जब जैसे 5K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी अपन बाइक रिवील कर देंगे। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले से प्यारे से मस्त से बॉम्ब से व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो और अपने माँ बाप की सेवा करते रहो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड पीस आउट गाइस।